वेलकम टू शीतल किचन। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं आंवला कैंडी। आंवले का सीजन आ गया है तो हम आंवला कैंडी बनाने वाले हैं। हमने 2.5 किलो आंवला लिए हैं, हमने इसे अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इसे छोलर से छोल लेंगे। इस तरह से हमें इसका पूरा छिलका निकाल लेना है। इस तरह से हमें पूरे आंवले छोल लेने हैं। सभी आंवले हमें इस तरह से छोल लेने हैं और सभी आंवले हमें एक पॉलीथीन में लेके इस तरह से गांठ मार के रेफ्रिजरेटर में 3 दिन के लिए ये आंवले हमें रख देने हैं। हमने रेफ्रिजरेटर में जो आंवले रखे थे 3 दिन के लिए, हमारे आंवले को 3 दिन हो गए। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमने आंवले बाहर निकाल लिए, अब हम इसे खोल लेंगे। हमारे आंवलों को एकदम कड़क हो गए बर्फ के जैसे। हमने एक पतीला लिया है, अब हम उसे गैस पे रखेंगे। फुल गैस पे हमने पतीले में पानी डाल के रखा है। इस पानी को जब तक बॉईल नहीं आता हम इसमें आंवला नहीं डालेंगे, इसे बॉईल आने देंगे। हमारा पानी इस तरह से बॉईल हो गया है। अब हमने जो फ्रीज़र में आंवले रखे थे, अब हम इसमें एक एक करके सब डालेंगे। हमारा पानी वापस ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये फ्रीज़र में रखे हुए आंवले बर्फ़ के जैसे जमे हुए हैं। अब हमें इसे बार बार चलाते रहना है चम्मच से। हमारा पानी ठंडा हो चुका है, हमें इसे अच्छे से बॉईल आने देना है। इस तरह से हमारे आंवले के पानी को उबाल आने लगा है। अब हम हमारे एक आंवला इसमें से निकाल के देखेंगे। अब हम इसे दबा के देखेंगे, ये अभी तक नहीं हुआ है। हमें वापस पानी में इसे डाल देना है और इसे हिलाते रहना है। ये हमारे आंवले को अच्छे से उकला गया। अब हम इसमें से एक आंवला निकाल के देखेंगे, इसे अच्छे से दबा लेंगे। ये कली कली हो रही है, हमारे सब आंवले बन गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम सब आंवले धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सब आंवले निकाल लिए हैं, अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमने सब आंवले निकाल लिए हैं, ये थोड़े ठंडे होने के बाद हम हमारे आंवले इस तरह से सब कलियां अलग अलग कर लेंगे और बीज निकाल लेंगे। हमारे आंवले ठंडे हो गए इस तरह से। हमने इस तरह से पूरे आंवले निकाल लिए और इसकी बीज अलग कर दिए हैं। अब हमें इसे 2.5 किलो आंवले लिए थे, अब हम उसमें 180 ग्राम शक्कर डालेंगे और उसे एक जार में भर देंगे। इस तरह का जार हमें लगेगा। हमने इस तरह से जार में आधी शक्कर डाल ली है, अब हमने जो आंवले निकाले थे हम उसमें डालेंगे। इस तरह से हमने पूरे आंवले इसमें डाल दिए हैं। अब हमने जो बची हुई शक्कर थी उसे ऊपर से डाल देंगे।
लगा के हिला लेंगे। ये ओले हमें अभी 3 दिन इस जार में रखना है, आते जाते इसे हिलाते रहना है, शक्कर का पानी हो जाएगा। हमारे ओले को 3 दिन हो गए और हमने इसे निकाल लिए है, इसका पाक नीचे निकल जाएगा। और हमने जो ओले निकल जाने के बाद इस तरह से एक कंटेनर में उसे सूखने के लिए रखे है। हम इसे घर में भी सुखा सकते हैं, धूप अच्छी हो तो धूप में सुखाओ। आपकी कैंडी आंवला एकदम वाइट होंगी, इसे 2-3 दिन सुखाना है। हमने आंवले धूप में 2 दिन सुखाए, हमारे आंवले सूख के रेडी हो गए हैं। पीसी हुई शक्कर हम थोड़ी सी लेंगे, पूरे आंवले पे डालेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमारी आंवला कैंडी रेडी है, अब हम इसे एक जार में भरेंगे। हमारी आंवला कैंडी कितनी एकदम वाइट वाइट बनी हुई है, आप इसे लाइक खाइए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हमें सब आंवले कंटेनर में भर लेने हैं। हम इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं और थोड़े दिनों के लिए बाहर भी रख सकते हैं। फ्रीज में अच्छे से वाइट रहते हैं, जैसे खाने को लगे वैसे निकाल लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।